ऑल फोर फ्लोरल वॉल्स आर, देखते हैं क्या. ऑल फोर फ्लोरल वॉल्स आर मॉडिफाइड लीव्स. हमने चार फ्लोरल वॉल्स देखा था जिसमें फर्स्ट वॉज कार्पेल और पिस्टिल एंड सेकेंड वॉज स्टमन. ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए हम इसे एसेंशियल होल बोलते हैं. एसेंशियल होल्स और रिप्रोडक्टिव होल्स. एंड द थर्ड वन इज कोरोला एंड द फोर्थ वन इज कैलिक्स. ये दोनों डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसलिए हम इसे नॉन एसेंशियल होल्स बोलते हैं. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टमेन से. वन बाय वन देखते हैं कैसे आगे फॉर्मेशन होता है. नाउ स्टमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसके दो पार्ट होते हैं. दिस पार्ट इज एंथर एंड दिस पार्ट इज फिलामेंट. फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर से अटैच्ड है इसे हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट. और नीचे का पार्ट जो थैलेमस से अटैच्ड है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड और पार्ट. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह के एंथर होते हैं. तो एंथर ऑफ मेनी टाइप्स मेनली आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज यूनिलोब्ड. यूनिलोब्ड अगर एक लोब है मींस ऐसा है कंडीशन तो इसमें दो स्पोरेंजिया होता है जो कि बाद में स्ट्रक्चर में देखेंगे. तो मींस यूनिलोब्ड में टू स्पोरेंजिया होंगे. और दूसरा जो टाइप है वो है बाइलोब्ड, मोस्ट कॉमन टाइप. यूनिलोब्ड में दो स्पोरेंजिया तो बाइलोब्ड में कितने होंगे? फोर स्पोरेंजिया. मीन्स इसे हम टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं कि यूनिलोब्ड का हिबिस्कस एंड बाइलोब्ड में धतूरा. ये सब एंथर के दो मेनली टाइप्स हैं. हम लोग बाद में जब देखेंगे कितने पॉलन ग्रेन बन सकते हैं कि बाइलोब्ड में एक यूनिलोब्ड में, इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं तो वहाँ पर काउंट करते समय हमें ये भी देखना होगा कि ये जो एंथर जिस पर्टिकुलर स्पीसीज का है वो एंथर यूनिलोब्ड होता है या बाइलोब्ड होता है. अगर अपने को ये पता है तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसमें कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे. अब ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, एंथर आर अगेन ऑफ फोर टाइप्स. सी ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट to the filament. First one is basi fixed, means anther के base से अगर filament अगर इस तरह से निकला हुआ है तो हम बोलते हैं basi fixed. Second one is dorsi fixed, means अगर ये anther है इसके डॉर्सल सरफेस से इस तरीके से अगर फिलामेंट निकला हो तो बोलते हैं डॉर्से फिक्स्ड. थर्ड वन इज एडिनेट टाइप, मींस ये अगर एंथर है और इसे पूरा अटैच होते हुए अगर फिलामेंट आ रहा है मींस इन दिस वे दिस इज एडिनेट टाइप. एंड द फोर्थ वन इज वर्सटाइल. Means superficially attached in this way.
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि इस एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, टीएस ऑफ एंथर हम लोग देखेंगे।